मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बेचते हैं, कुछ जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कंपेटिटर चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने पिलो बेचने हैं। अच्छा, अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि एंटर कर दिया, अब हम आगे यहाँ एक्सटेंशन पे और यहाँ पे क्लिक कर रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि जो टॉप पे बैठे ना साइलेंट नाइट वाला है 230,000 पाउंड। तो हम एक कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी और देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, ये सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है। कोई तो ऐसी रीजन होगी कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पिलो ही बेच रहे हैं बैठे, लेकिन साइलेंट नाइट वाला सबसे ज्यादा पिलो देखेंगे। हमने कहा जी रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं जी, ये 607 है 288 है, हम कहते हैं जी इस पे ये जो 132 इसको हम कम्पीट करेंगे। मैं आपको इसी एग्जाम्पल देकर अलहदा से बता दूं 32 वाले का रेवेन्यू कितना है। ये फिर एग्जाम्पल है कि एक मार्केट में जीन्स बेच रहे हैं 10-3 लाख के महीने की सेल कर रहा है, बाकी कोई 50,000 की कर रहा है, तो हम मटेरियल क्वालिटी देखेंगे 3 लाख वाले की तो उसकी, तो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट किया कि हम उसका मटेरियल देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे और एक बराबर हमने आके बैठना। जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है उसको हम कम्पीट नहीं करते, रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और एक वो जिसकी जगह पे हमने आके बैठना। चलिए जी, मैंने आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे आप मैन्युअली भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मार्केट्स ये हैं, जब आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज सिलेक्शन प्रोडक्ट रिसर्च के आपने क्या बेचना है, जो बेचनी आप उसको हंट कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या बेचना चाहिए, इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, तो उसके लिए हीलियम 10 का आपको जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा कौन कितने की बेचता है, कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी क्वालिटी यूज होती है उसमें। पता चला जी लाहौर की एक मार्केट है, वहाँ पे जीन्स की प्राइस चल रही है, एक बंदा 5,000 की बेच रहा है और बाकी सारे इसके दरमियान में है 1,000 से 5,000, उससे भी 20% कम पे बेच रहा है। अब जब आप मार्केट में लगा देते हैं तो आपकी तरफ बायर अट्रैक्ट होगा, बायर कहेगा जी आप 20% लेस पे, आपको चंद दिन लॉस पे बेचनी होगी प्रोडक्ट, या अगर आप बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे कर दिया 800 रुपए में और आप कहें जी एक महीने के बाद मैं इसको 5 के हिसाब से, बाकी लोग जिस तरह एक मार्केट में अगर आप 800 रुपए पे लेके आ गए, 800 की बेच रहा है तो जो 1,000 की बेच रहा है उसने भी 800 की कर दी, एक 1,500 की बेच रहा था उसने भी 800 की कर दी, तो यहाँ पे हो सकता है अच्छे खासे बायर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस ऊपर भी ले जाएंगे। 1,500 की बेच रहे हैं तो आप हमेशा 1,500 की नहीं बेचेंगे। आप आ गए, हमने देखा कि पिलो है ये थर्टिंग में, ये सेलेक्ट कर लिया कि हम किस मटेरियल में किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं जी 33, 14, 33, 26 तक हमें 14 मिली कम, फिर 26 ये 15 मिली, फिर ये, फिर हम नीचे आ गए, नीचे आके हमने देख लिया जी हमारे पास 33, 24, फिर नीचे आ गए 13, 32, 44, हमें यहाँ पे सबसे कम प्राइस नज़र आ गई है ये 7 पाउंड वाली, हमें सबसे कम प्राइस नज़र आई है, तो वो इससे 20% कम होगी, यानी अगर 7 निकाले तो ये बनता है 140, 1.40, तो 1.40.60 हमारी लॉन्च प्राइस होनी चाहिए। अब टारगेट प्राइस सेट की होगी, इवेंचुअली हमने इसको यहाँ पे बेचना है जाके, हम फिर 9 वाले पे चले गए, यानी ये 8.99 एक तो वो हमने लॉन्च 10 पे की है, लेकिन हमने ऑलरेडी कॉस्ट निकाल के हमें पते होते हैं कि कुछ दिनों की जो गई है, मैं एनालिसिस बोल दिया था, एक मैं सिलेक्शन बोल दिया था, आपने काम पे फोकस करने सीख लिया प्राइस एनालिसिस, और हमने दो तरह के, हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो सर रिव्यू आपका जो बाय से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसके बारे में जो कमेंट्स दे रहा है वो आपके रिव्यू भी हो सकता है, हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो रिव्यू आपको पता चल गया, सादा सी एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आप आइसक्रीम खरीदते हैं, अब आप 4 दोस्त गए, टेस्टी थी, एक ने कहा जी अच्छी नहीं थी आइसक्रीम, तो एक ने नेगेटिव रिव्यू बताई, जो आपने उनको कमेंट्स दिए उनकी प्रोडक्ट के बारे में वो आपने रिव्यू, उसने कहा नहीं जी गलत गंदी आइसक्रीम थी, मजा ही कोई नहीं आया, टेस्ट ही नहीं था जी।